नाहन में इनर व्हील क्लब की इंटर इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल और बीजेपी जिला अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि इनर व्हील क्लब द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहे हैं, समय समय पर समाज सेवा में इस क्लब की अग्रणी भूमिका रहती है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा लगातार जारी है। धर्मशाला पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रभात फेरी, जनसभा और रोड शो किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सुबह सभी जगहों पर प्रभात फेरी, कीर्तन और पूजा की। शिमला के दून में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। नाहन में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने मुख्य बस अड्डा परिसर में महंगाई के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। यह अभियान आगामी 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान महिला समिति की पूर्व अध्यक्ष संतोष कपूर ने बताया कि लोगों से हस्ताक्षर करवाकर महंगाई के खिलाफ समर्थन मांगा जाएगा। अभियान के बाद राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी भेजा जाएगा, जिसमें महंगाई को कम करने की मांग की जाएगी। किन्नौर में जिला प्रशासन ने कैलाश की यात्रा 1 अगस्त से 11 अगस्त तक शुरू करने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें एक दिन में केवल 75 लोग ही इस यात्रा को कर पाएंगे। लेकिन इस बीच कुछ यात्री अभी से ही किन्नौर की कैलाश की यात्रा शुरू कर रहे हैं। वहीं किन्नौर कैलाश की यात्रा के दौरान पहाड़ों से प्राकृतिक ब्रह्मा कमल तोड़ने का काम भी किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी। नालागढ़ अस्पताल में सुविधाओं में भारी कमी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस विधायक लखविंद्र राणा भी धरने में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिला अस्पताल में काफी समय से डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए, अस्पताल में 200 बेड का अस्पताल बनाया जाए।